डिफरेंट्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th वेलकम लिसनर्स मैथ्स क्लास सेट्स लेक्चर 3। सो ये हमारा सेट्स का लेक्चर थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशंस डिस्कस कर लिया, टाइप्स डिस्कस कर लिया है। सो नाउ इन द थर्ड हम उसी टाइप्स की कैटेगरी को आगे ले जाएंगे और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट। सो ये और सेट्स और ये और डेफिनेशन हम अपने ये एडिशन ऐड करने वाले हैं। ओके, सो सीधे स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट वन सबसेट से। सबसे पहले हम लोग सबसेट्स को डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि व्हाट वी मीन बाय सबसेट्स। ओके, सो to define it, let us start with the two sets. Let A n B r two sets. A और B suppose कीजिए हमारे पास दो set. Now the first one, अगर ऐसा हो जाए कि every element of set A is in B, यानी A में जो भी element है, whatever elements are there in set A, all are in B. So in that case, ऐसे case में हम लोग क्या बोलते हैं, यानी A और B two sets था, और A के जो सारे element हैं, अगर वो B में हैं, so it mean A, then A is known as, in that case, then A is known as subset of B. If every element of set A are in B, if A and B are two sets and every element of set A is in B. Now, it is denoted by A subset B. और इसको हम लोग रीड करेंगे कि A is a subset of B. इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि A जो है वो B का सबसेट है, यानी ये सबसेट का साइन हो गया। This is the sign of subset. So let us start with, हमने एक नया साइन यूज करना स्टार्ट किया, सबसेट। सी ऑलरेडी हम लोग एक साइन यूज कर रहे हैं बिलोंग्स टू एंड अनदर वन डज नॉट बिलोंग्स टू। यानी सेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है, अपने सिंबल्स हैं। तो पहले हमने बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के दो सिंबल यूज किए थे, नाउ हमने सबसेट के लिए एक और सिंबल यूज कर लिया है। ओके, इसको अगर मुझे और डिफाइन करना हो, यानी अगर मुझे इसको एक्सप्रेस करना मैथमेटिकली, मैं ये बोल सकता हूँ कि ए इज ए subset of B if and only if X belongs to A implies X belongs to B. ये मेरी mathematical definition हो जाएगी। A is a subset of B if and only if X belongs to A implies X belongs to B. What we mean by this? अगर A B का subset है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी X A में है, X belongs to A, implies meaning वो X B में भी है। अगर X A में है तो X B में भी होगा। So one more symbol we are using, हमने एक और नया symbol लिया है, this one. And this one is implies that. है ना? Implies that. हम नए नए सिंबल्स लेते आ रहे हैं, तो ये हमारा implies that का सिंबल हो गया। इसको अगर मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ कि सपोज एक सेट हम B ले लेते हैं और B में एलिमेंट्स हैं A, B, C, D. ओके, A, B, C, D. अब हमने एक नया सेट A लिया है। सपोज A इज ए सेट जहाँ पर एलिमेंट है A, B, C. एक और सेट ले लेते हैं, सेट C, उसमें एलिमेंट है A, B, D, E. ओके, नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B. A में जितने भी एलिमेंट हैं, whatever elements are in A, they all are in B. So it mean, in this case, A is said to be subset of B. क्योंकि A के सारे element B में है, but C के सारे element B में नहीं है. C में एक element A है, एक element B है, एक element D है. Okay, these elements are there in B, but this E does not belong to B.
सो इट मीन आई कैन से कि सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी. सी जो है वो बी का सबसेट नहीं है. ए तो बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन सी जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा. सो दिस इज अवर फर्स्ट डेफिनेशन जो हमने फर्स्ट लिया स्टार्ट किया है सबसेट से कि व्हाट वी मीन बाय दिस वर्ड सबसेट. ओके नेक्स्ट पे आते हैं. लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज अवर प्रॉपर सबसेट. मैं इसी डेफिनेशन को फर्दर इसी डेफिनेशन को क्या करते हैं फर्दर लेके चलते हैं. सी अगेन इसी सेट में सेट बी के अंदर अगर आप बी के सबसेट्स बनाएंगे तो वो सबसेट्स क्या क्या होंगे. अगर बी के सबसेट बनाए जाए तो इसके लिए ना एक छोटा सा सेट ले लेते हैं, है ना. लेट अस अगेन स्टार्ट कि हमने एक सेट बी लिया है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3. ओके नाउ यू सी लेट अस स्टार्ट राइटिंग सबसेट्स ऑफ बी. यानी सबसेट्स कौन से होंगे जो बी के एलिमेंट को यूज करके जो नए नए सेट बनेंगे वो इसके सबसेट जाएंगे. तो एक में पहला सबसेट लिख सकता हूँ 1, दूसरा सबसेट लिख सकते हैं 2, देन थर्ड लिख सकते हैं 3, वन मोर 1, 2, है ना. 1, 2 को हमने यूज कर लिया. देन हम यूज करेंगे 2, 3 को यूज कर सकते हैं. देन हम 1, 3 को यूज कर सकते हैं. और इवन हम क्या कर सकते हैं 1, 2, 3 को भी ले सकते हैं. ये भी तो डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है. और एक हम एम्प्टी सेट भी लेंगे. एम्प्टी सेट भी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है. इस पर हम लोग आएंगे अभी कि एम्प्टी सेट क्यों सबसेट है. सो अगर हमने एक सेट बी ले लिया जिसमें एलिमेंट्स 1, 2, 3 है और उनके एलिमेंटों को यूज करके हम डिफरेंट सबसेट बनाएंगे. सो हेयर इज सबसेट. ये क्या है, ये सबके सब सबसेट्स हैं. अब इन सभी सबसेट्स में एक ये जो सबसेट है ये तो क्या है बी के इक्वल है, है ना. लेकिन रेस्ट ऑफ द सबसेट्स है वो बी से छोटे हैं. और जो सबसेट सेट से छोटा होता है उनको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, है ना. उसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं. इट मीन अगर हम ये कहें और इस प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ. हम इसको कैसे रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे कि बी इज ए प्रॉपर, बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है. हाउ वी डिफाइन इट, इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि पहली बात तो पहले मैं समझ में आ गया कि प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है. सी सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस इतना है कि जब हम सबसेट बोल रहे हैं तो बी के जितने जो एलिमेंट्स हैं उनसे जितने भी हमने सेट बनाए वो सबके सब सबसेट्स हैं. लेकिन उनमें से जो क्या है कि उससे छोटा है, तो इसको अगर मुझे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना हो, अगर मुझे प्रॉपर सबसेट को डेफिनेशन के फॉर्म में देना हो, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि प्रॉपर सबसेट क्या होगा कि लेट ए एंड बी. अरे इन डेफिनेशन का जो ना हर एक डेफिनेशन में इन ईच एंड एवरी डेफिनेशन हमारा ये पोर्शन तो सेम रहेगा. लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स. अब यहाँ कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हमने बी को बना दिया है ना ए का प्रॉपर सबसेट. तो बी छोटा हो गया, है ना. बी छोटा हो गया इस केस में. और हमें जो डेफिनेशन लेके चल रहा था मैंने यहाँ पर बी हमने 1, 2, 3 लिया था. तो ओके लिख में इससे बी हेयर कर लेते हैं और ए यहाँ कर लेते हैं. तो यहाँ ए कर लेते हैं और यहाँ बी कर लेते हैं. आपको शायद समझ में आया कि ये ए बी क्यों चेंज हो गया, क्योंकि हमने बी से स्टार्ट किया था, हमने बी के एलिमेंट से स्टार्ट किया था ना. सो अब मैं प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को ऐसे दे सकता हूँ कि एवरी एलिमेंट That means A is a proper subset of B. A is a proper subset of B if every element of A are in B. तो ये तो वैसे ही हो गया जैसा कि हमें subset की definition थी. और हम क्या इसमें add करेंगे, and B have at least one element more than A. यानी B जो है अगर वो बाहर के ऊपर हो रहा है A जो है अगर वो B का प्रॉपर सबसेट है, अगर A B का प्रॉपर सबसेट है, यानी A B से छोटा है सीधे शब्दों में, तो एवरी एलिमेंट ऑफ A तो B में होने चाहिए.
और साथ में बी में कम से कम एक एलिमेंट ए से ज्यादा होना चाहिए, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है. ओके और अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है सो इन दैट केस वी सेज दैट कि बी इज ए सुपर सेट. दिस इज द नोटेशन फॉर सुपर सेट. यानी हम ये इसको कैसे रीड करेंगे, हियर वी रीड इट बी इज ए सुपर सेट. B is a superset of A. यानी ओके यू मे से लाइक दिस कि A तो प्रॉपर सबसेट हो गया, तो जब कभी भी A B का प्रॉपर सबसेट होगा तो B उसका सुपरसेट कहलाएगा. सो ये हमारी डेफिनेशन होगी प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट की, राइट. सो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया सबसेट से. पहले हमने सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि व्हाट वी मीन बाय द वर्ड सबसेट. Then we come to proper subset. कि proper subset किसको बोलते हैं. And then the third one is superset. हम superset पे आ गए. यहाँ तक मुझे लगता है कि clear हो गया होगा कि subset किसको बोलते हैं, proper subset किसको बोलते हैं, superset किसको बोलते हैं. बहुत ही सीधे शब्दों में अगर मुझे इन definitions को क्या करना हो, combine करना हो, तो A अगर B का subset है तो A के सारे element B में होंगे, first thing. Okay? लेकिन अगर B में A से ज़्यादा एलिमेंट है तो उस केस में A को सबसेट की जगह प्रॉपर सबसेट बोल देंगे, और अगर A B का प्रॉपर सबसेट है तो B को हम उस समय A का सुपरसेट बोलेंगे, है ना, क्योंकि वो उससे बड़ा है. ओके अब यहाँ पर ना बिफोर आई गो टू द यूनिवर्सल सेट, हम ना कुछ रिजल्ट यहाँ पर डिफाइन करना चाहेंगे कि हम वहाँ जाने से पहले लेट अस डिफाइन सम रिजल्ट्स फर्स्ट. Every set is a subset of itself. These are some of the properties. इसको मैं कह सकता हूँ कि subsets की कुछ properties हो गई. These are some of the properties कि every set is a subset of itself. Number two, the empty set is a subset of every set. And the total number of subsets of a finite set containing n element is, ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, is 2 to power n. The total number of subsets of a finite set containing n element is 2 to power n. इसमें हम अगर total number of proper subset मुझे बोलना हो, है ना? अगर मुझे total number of same case में total number of proper subset कहना होगा, तो 2 to power n में से एक कम कर देंगे, है ना? तो वो proper subset होगा. Okay. So, let us start with every set is a subset of itself. ये very much clear है क्योंकि इसमें लिखने में बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा. हम ये कह रहे हैं कि let A be any set, है ना, और इसमें ये non empty set है, it has some elements. अगर इसमें कोई element है तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि every element, see सिर्फ definition या logic पार्ट देखना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर इन ए. ए के जो भी एलिमेंट है तो वो ए में तो है, सो देयरफॉर ए इज ए सबसेट ऑफ ए. अगर डेफिनेशन क्या कहा था हमने कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट होगा, तो यहां पर ए का हर एक एलिमेंट तो ए में है ना, तो इसलिए ए इज ए सबसेट ऑफ ए. सिमिलरली अगेन अगर ए हमारा कोई सेट है और लेट फाई जो है वो नल सेट है, एम्प्टी सेट है, सो हमें फाई को, नाउ व्हाट वी वांट टू शो दैट इन द सेकंड रिजल्ट कि फाई इज ए सबसेट ऑफ सेट ए. फाई इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, तो इसका मतलब मुझे क्या शो करना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फाई इज इन ए, ये तो शो करना है. एंड सिंस फाई does not have any element, हमें to prove this, इसको prove करने के लिए, to prove phi is a subset of A, we have to show that, हमें क्या show करना है कि every element of phi are in A, phi के सारे element A में है. But since phi does not have any element, it means I can say that ना कि every element of phi are in A. क्योंकि phi में जब कोई element ही नहीं है, empty set में कोई element ही नहीं है, तब तो मैं बोल सकता हूँ कि उसके सारे element A में हैं. और अगर मैं ये बोलता हूँ कि every element of phi are in A, अगर phi के सारे element A में हैं, इसका मतलब phi जो है वो A का subset हो गया. Simple, okay?
सो दीज आर द फर्स्ट टू रिजल्ट्स. ये हम याद रखेंगे कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है और एम्प्टी सेट जो है वो सभी सेट्स का, हर एक सेट का वो सबसेट होता है. नाउ द थर्ड वन कि नंबर ऑफ सबसेट्स. सी अगर हमने परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ा होता, दैट मीन इफ यू नो ए लिटिल बट अबाउट परमुटेशन कम्बिनेशन, सो इट इज ईजी टू शो दैट, तब ये बहुत आसान हो जाएगा. तो मैं यहाँ पर परमुटेशन कम्बिनेशन को, यानी कम्बिनेशन को थोड़ा यूज करूँगा. सो कम्बिनेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट दिस कम्बिनेशन, कम्बिनेशन का रिजल्ट क्या कहता है कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, okay, अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और इसमें से क्या कर रहे हैं हम, r को सिलेक्ट कर रहे हैं, इसे लिखते हैं टू सिलेक्ट r. दैट मीन n ऑब्जेक्ट में से अगर मुझे r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सो द नंबर ऑफ वे, द नंबर ऑफ वेज जो है वो हो जाएगा NCR. ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्बिनेशन. कम्बिनेशन की डेफिनेशन से सीधे ली गई है कि अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से हमें r ऑब्जेक्ट को चूज करना है तो नंबर ऑफ वेज NCR के इक्वल होता है. अब अगर एक सेट में n एलिमेंट है, ओके, सो हम जब इसके सबसेट्स बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक एक एलिमेंट को चूज करेंगे. नहीं, हमने एक एक एलिमेंट के सेट बनाएंगे. सो द नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट वन एलिमेंट फ्रॉम एन एलिमेंट इज NC1. देन क्या करेंगे, हम दो दो एलिमेंट लेंगे तो एन एलिमेंट में से टू एलिमेंट सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, NC2. सिमिलरली हम थ्री एलिमेंट्स के सेट बनाएंगे, तब हम फोर एलिमेंट के सेट बनाएंगे, एंड सो ऑन. फाइनली हम एन एलिमेंट का सेट बनाएंगे और साथ में एक वन भी लेंगे जो कि एम्प्टी सेट है. नहीं, एम्प्टी सेट तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो एक तो वो हो गया. दूसरा हमने क्या किया, एक एक एलिमेंट के सेट बनाए. जब हमने दो दो एलिमेंट के सेट बनाए, तब हमने तीन तीन एलिमेंट के सेट बनाए. और जब हम थ्री एलिमेंट का सेट बना रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो एन एलिमेंट्स हैं टोटल, आपके पास जो टोटल एन एलिमेंट है उसमें से एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हम थ्री एलिमेंट को चूज कर रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि कितने तरीके से हम थ्री एलिमेंट को चूज कर सकते हैं. जितने भी तरीके से थ्री एलिमेंट को चूज करेंगे उतने ही सेट होंगे, सो दैट इज NC3. और ये जो रिजल्ट है फ्रॉम अवर बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से, ये रिजल्ट 2 to power n के इक्वल होता है ना. बाइनोमियल थ्योरम शेज दैट कि दिस इज इक्वल टू 1 + 1 power n. तो ये हम बाइनोमियल थ्योरम इसको लर्न कर लेंगे वहां पर, तो ये रिजल्ट वहां से हम लिख पाएंगे कि 2 to power n होता है. सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट इज 2 to power n. क्योंकि वो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है उसमें से जो लास्ट का ये NCN है जो 1 के इक्वल होता है, ये सेट इटसेल्फ है. तो अगर मुझे प्रॉपर सबसेट बोलना हो तो उस 1 को माइनस कर देंगे, सो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आ जाएगा 2 to power n - 1. ओके, सो दिस इज अवर थर्ड रिजल्ट. सी, एक चीज और यहाँ पर हम साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम ये कह रहे हैं ना कि सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट, क्योंकि जब आप बहुत सारी बुक्स में देखेंगे, अलग अलग डिफरेंट बुक्स हैं, तो कुछ लोगों ने सबसेट्स ऑफ प्रॉपर सेट में ना बहुत ज़्यादा अंतर नहीं किया हुआ है. क्योंकि एक और कन्फ्यूजन होता है कि कब तो मुझे सबसेट्स लिखना और कब मुझे प्रॉपर सबसेट लिखना. सपोज अगर मेरे पास टू सेट्स हैं, आई हैव टू सेट्स ए एंड बी, और मुझे ये नहीं पता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट तो बी में है. आई नो दैट कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन बी, बट आई डोंट नो कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए विच आर ऑल्सो इन बी. मे बी सारे ए के सारे एलिमेंट बी में हो सकते हैं या सारे एलिमेंट नहीं हो सकते हैं. तो सारे एलिमेंट जब नहीं होंगे तब तो ये एक्चुअली क्या होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा. और सारे ये जब सारे एलिमेंट नहीं होंगे तो ये प्रॉपर सबसेट होगा. सो अगर मुझे कन्फर्म नहीं है तो मैं सबसेट यूज करूँगा. क्योंकि जब मैंने सबसेट यूज कर दिया, जैसे ही हमने सबसेट यूज कर दिया, इसका मतलब हम ये समझ गए हैं कि हमें नहीं पता कि whether all the elements of set A are in B or not. But whenever we are using like this, A is a proper subset of B, अगर हम ये लिखते हैं, इसका मतलब ये निकल के आएगा कि we know that कि every element of set A are in B. A के सारे element तो B में हैं, लेकिन B में element थोड़े ज़्यादा भी हैं, है ना. ओके, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया आई थिंक ना, कि मैंने क्या कह दिया है कि अगर यहाँ पर थोड़ा बोलने में आई थिंक तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होगा. जब हम कह रहे हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मीन ए के तो सारे एलिमेंट बी में हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बी में ज़्यादा एलिमेंट है या नहीं है ना. मुझे ये बोलना चाहिए था ए के सारे एलिमेंट बी में है. ओके, ऑल द सबसेट्स और प्रॉपर सबसेट दोनों का मतलब है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी.
लेकिन जब मुझे ये नहीं पता होगा कि ए बी के इक्वल है या नहीं है, तो उस केस में मैं ए को बी का सबसेट लूंगा, और अगर मुझे ये कंफर्म है कि बी में ए से ज़्यादा एलिमेंट है, सो एट दैट टाइम वी यूज ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. ओके, नाउ वन मोर थिंग, अगर आपको ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाएगा कि इफ़ यू वॉन्ट टू शो दैट ए इक्वल टू बी, है ना, अगर हमें प्रूव करना है कि टू प्रूव ए इक्वल टू बी, तो उस केस में क्या करेंगे, हम ए को बी का सबसेट शो कर देंगे, है ना, एंड हम बी को ए का सबसेट शो कर देंगे. अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं. एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो सेइंग दैट कि बी के सारे एलिमेंट ए में हैं. हमने फर्स्ट में ना जब हमने ये कहा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ए के सारे एलिमेंट बी में हैं. और उसके बाद हमने कहा कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो इसका अब हम ये बोल रहे हैं कि बी के सारे एलिमेंट ए में हैं. ये कब होगा, कि जब दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे. और अगर हमें ये प्रूव करना है कि ए ये सबसेट ऑफ बी किसी क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, हम ये एक्स से स्टार्ट करेंगे, यानी हम क्या करेंगे कि हम एक एलिमेंट एक्स का लेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, और हम शो कर देंगे, देन शो दैट, ऐसे लिख सकता हूँ, शो दैट कि एक्स इज ऑल्सो इन बी. टू प्रूव कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, वी स्टार्ट विद एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, एंड देन वी शो दैट कि वो जो एक्स जो है वो एलिमेंट जो है वो बी में भी है. तो इस तरीके से ये शो हो जाएगा कि ए बी का सबसेट है. ओके, सो नाउ अगेन लेट अस रिटर्न टू और द प्रीवियस वन, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, कि हमने डेफिनेशनों में डेफिनेशंस पे थे. सो अनदर वन इज यूनिवर्सल सेट. एक डेफिनेशन और लेते हैं हम लोग जो कि यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड है. सी, कई बार क्या होता है ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे हैं, हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सो वी नीड ए सेट विच इज़ ए सुपर सेट ऑफ एवरी सेट. या इसको ऐसे बोलें कि हमें एक ऐसे सेट, हम जब डिस्कशन में हैं, कंसिडरेशन में हैं, तो जितने भी सेट हैं वो किसी न किसी एक सेट के तो सबसेट होंगे ना. जब आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, सपोज 4 sets, 5 sets or 10 sets आर इन्वॉल्व इन दैट प्रॉब्लम, सो देयर मे बी ए सेट विच इज़ ए सुपर सेट ऑफ ऑल दी सेट, और ऑल दी सेट्स आर सबसेट ऑफ दैट सेट, और वो जो बड़ा वाला सेट है ना उसको यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं. तो यूनिवर्सल सेट जो है वो मतलब वो एक फिक्स सेट नहीं है. हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट अलग अलग क्वेश्चंस के यूनिवर्सल सेट अलग अलग हो सकते हैं. हम यहाँ कहते हैं उस कंसिडरेशन में, है ना, उस कंसिडरेशन में. जैसे एग्जांपल के लिए आज की डेट में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर अभी नहीं पढ़ा हुआ, तो सपोज करें कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं जानते हैं, तो हमारा अगर हम नंबर से डील कर रहे हैं तो सबसे बड़ा नंबरों का सेट कौन सा होगा, रियल नंबर, है ना, क्योंकि बाकी जितने भी सेट नंबर्स के बनाएंगे, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स हो, होल नंबर है, रैशनल है, इरेशनल है, ये सब के सब किसके सबसेट हैं, ये सब के सब रियल नंबर के सबसेट हैं. सो हियर रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर इज नोन एज यूनिवर्सल सेट फॉर नंबर्स. ओके, अप टू दिस. लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा. सो ये यूनिवर्सल सेट एक तरह का कंसिडरेशन है. जैसे मैं ऐसे और बोल सकता हूँ, सपोज नाउ यू आर इन क्लास 11, है ना, तो आप एक सेट हो गया आपका क्लास 11 का, आपके अपने स्कूल का. अब वो किसका सबसेट है, वो आपके स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनके सेट का हो सकता है. उसके बाद आपका जो ब्लॉक है, वो सिटी जो है, उस सिटी के सारे 11 क्लास के बच्चे ले लें तो वो उससे भी बड़ा सेट हो गया. तब अगर आप क्या करते हैं कि पूरे जिले को ले लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट को ले लेते हैं, तो वो और उससे बड़ा हो गया. देन स्टेट ले लेते हैं, हम इंडिया कंट्री लेते हैं, इंडिया के जितने भी क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं वो बड़ा सेट हो गया. तो अब अगर मैं सिर्फ मेरे कॉन्टेक्स्ट में मैं इंडिया तक ही बात कर रहा हूँ, तो इंडिया के 11 क्लास के बच्चों का जो सेट है वो आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, वो सबसे बड़ा सेट हो गया. लेकिन अगर हम वर्ल्ड की बात करने लगेंगे तो पूरे वर्ल्ड के क्लास 11 के स्टूडेंट्स का जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा. तो यूनिवर्सल सेट एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो टॉपिक जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करने वाला है, उसको हम कैपिटल, एक्चुअली यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करता है. लेकिन आपकी बुक में ना, क्योंकि हम जब सेट ऑपरेशन पढ़ेंगे तो यूनियन को भी यू से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यूनिवर्सल और यूनियन दोनों एक ही चीज़ हो गई. तो क्या करना है
कि लिखने के तरीके में बुक्स वाले तो क्या करते हैं कि जब यूनिवर्सल सेट लेना होगा तो बी को थोड़ा, यू को थोड़ा बोल्ड कर देंगे और यूनियन में थोड़ा सा लाइट प्रिंट कर देंगे यूनियन को शो करने के लिए। हम तो ऐसा नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे यूनिवर्सल सेट लिखने के लिए, उसलिए मैंने ना थोड़ा सा यू के ऊपर ऐसे ऐसे एक बार टाइप का लगा दिया। नाउ नेक्स्ट वन इज अबाउट पावर सेट। आइए एक और डेफिनेशन पे आते हैं कि व्हाट वी मीन बाय द वर्ड पावर सेट। ये पावर सेट क्या होता है? नाउ इन पावर सेट क्या है कि अभी हमने एक सेट लिया था बी, ओके, और इसके सारे सबसेट्स ले लिए, तो अगर इन सारे सबसेट्स को हम का एक सेट बना देते हैं, यानी एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसके एलिमेंट्स सेट हैं, है ना, जिसके एलिमेंट्स ये सेट हैं, देन क्या था, 1 2 था, इवन वी हैव 2 3, देन हमारे पास है 1 3, देन वी हैव 1 2 3 एंड 1 वेरी इंपॉर्टेंट एम्प्टी सेट, यानी एक सेट बी हमारा 1 2 3 था, उस बी के जितने भी सबसेट थे, वट एवर सबसेट्स आर देयर, उनको हमने क्या किया, एक और सेट में इंक्लूड कर दिया, यानी यानी पावर सेट क्या हो गया, सेट ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स का सेट्स। पावर सेट क्या है, सबसेट्स ऑफ सेट, और इसको हम कैसे डिपेंड डिनोट करेंगे, पी बी से, पी बी से हम इसको रिप्रेजेंट जो करेंगे वो पी बी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी बी का पावर सेट पी बी, और ये क्या है, ये सेट ऑफ सबसेट्स है, किसी भी सेट के जो भी सबसेट्स हैं उनका अगर कलेक्शन बनाया जाए तो वो भी एक सेट होगा, और उस सेट को गिवन सेट का पावर सेट कहा जाएगा, ओके, यानी अगर मुझको मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि पी एस, इफ एस इज ए सेट देन पी एस, एस क्या हो गया, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एस सच दैट एस इज ए सबसेट ऑफ ए। अब एक कंफ्यूजन हो सकता है कि मैंने यहां प्रॉपर सबसेट लिख दिया ना, यहां पर प्रॉपर सेट लिख दिया है, तो पावर सेट में क्या करेंगे, हम इसको सबसेट कर दें, पावर सेट में क्या करते हैं उसको हम, कई कई बुक्स में ना ये सबसेट और पावर सेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, अगर मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन जो बुक मेरे पास एक है उसमें यहाँ पर डेफिनेशन में ना जब पावर सेट आप पढ़ने जाएंगे तो उसने यहाँ पर जो नोटेशन लिया है वो एक्चुअली प्रॉपर सबसेट का लिया है, लेकिन एक्चुअली वो प्रॉपर सेट नहीं, प्रॉपर सेट का मतलब हुआ कि इसको हमें बाहर निकाल देना चाहिए ना, से अगेन इसको, ये नहीं होगा, नहीं ये भी इसका मेंबर होगा, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पावर सेट। सो टुडे व्हाट वी डिस्कस, हमने अभी तक जो सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट, हम क्या करते हैं थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलते हैं इस लेक्चर को, और एक चीज और इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, एंड दैट इज द वेन डायग्राम। आपको कुछ डायग्राम्स नजर आ रहे होंगे, लेट मी कम टू की व्हाट कम टू द मीनिंग ऑफ दिस, आइए इसके मीनिंग पे आते हैं। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सेट्स में सेट्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना, एक रिप्रेजेंटेशन देना। सो ना एक हम जब क्या करेंगे, वेन डायग्राम्स क्या, वेन एक मैथमेटिशियन का नेम है, उन्होंने डायग्रामेटिकली सेट्स को रिप्रेजेंट किया था, तो जो रेक्टेंगल है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। सो टू रिप्रेजेंट ए यूनिवर्सल सेट व्हाट वी डू, वी टेक ए रेक्टेंगल, हम एक रेक्टेंगल लेंगे जिससे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल लेंगे, हम एक सर्कल लेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमने टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स लिया है, सबसे पहली बात कि अगर ये यूनिवर्सल सेट यू है, लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स, ए और बी टू डिफरेंट सेट्स हैं, और ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हो गए, है ना, क्योंकि हमने उस रेक्टेंगल के अंदर उसको बना दिया, नहीं रेक्टेंगल के अंदर सारे यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट हैं, अब ए क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ हुआ है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है। अब ए और बी को इंटरसेक्टिंग ड्रॉ करने का मतलब कि इंटरसेक्टिंग ड्रॉ करने का मतलब इनमें कुछ कॉमन पॉइंट है, सी हियर, ये कॉमन पॉइंट हो गया उसका, सो ए एंड बी हैव सम कॉमन पॉइंट्स, यानी ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। हमने यहाँ पर, यहाँ हमने क्या किया, ओके सी अनदर डायग्राम, यहाँ पर एक सर्कल ए है और दूसरा सर्कल उसके क्या है, उसके हमने अंदर बनाया हुआ है ना कम्प्लीटली, वो कम्प्लीटली ए के अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट ए में है, और क्योंकि बी ए से मुझे छोटा भी लग रहा है तो मैं आई कैन से कि बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी जो है ए का प्रॉपर सबसेट है, तो
तो ये जो रिप्रेजेंटेशन और लास्ट रिप्रेजेंटेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए, सो देयरफॉर बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो ये कुछ डेफिनेशंस हो गई हमारी, अब कुछ डायग्राम्स हो गए और कुछ डेफिनेशन हो गए इस टॉपिक में। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था। सी वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाने के लिए, क्योंकि अगर इन सभी लेक्चर्स को मिला दिया जाए तो एक घंटे में हम पूरे सेट्स की पूरी थ्योरी को डिस्कस कर सकते हैं एक से डेढ़ घंटे के अंदर, लेकिन हम छोटे छोटे वीडियोस में चल रहे हैं। सो ये हमारा लेक्चर 3 था। सो नाउ इन माय 4th लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट्स ऑपरेशन की बात करेंगे, है ना, जो सेट्स हैं उनके बीच में क्या ऑपरेशंस होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशंस दे आर इन द सेट, वो हमारे लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे। एंड देन इन लेक्चर 5 में कुछ प्रॉपर्टीज सेट की डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। सो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेपरेट वीडियोज में आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, और वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं उनके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल, चैनल को देखते रहिए, और वहाँ पर आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।